चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कल नैब लाहौर का दौरा करेंगे। चेयरमैन नैब को मेगा करप्शन केसेस की तहकीकात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। जराय के मुताबिक शरीफ खानदान से मुतालिक केसेस का भी तफसीली जायजा लिया जाएगा। जबकि शरीफ फैमिली की खवातीन को तलबी की बजाय तफसीली सवालनामा भेजने पर भी गौर होगा। इस पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदा राहिल सैयद से। जी राहिल, बताइएगा इस दौरे में कौन कौन सी शख्सियात शामिल होंगी? जी जनाब, दौरे में तो सिर्फ चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ही आएंगे लाहौर ऑफिस में, जहां डीजी नैब लाहौर शहजाद असलीम जो है उनका इस्तकबाल करेंगे और उसके बाद जो लाहौर में जारी अहम केसेस हैं, मेगा जो करप्शन के केसेस चल रहे हैं उसके बारे में उन्हें ब्रीफ किया जाएगा। खुसूसन शहबाज शरीफ फैमिली के हवाले से जो केसेस चल रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग के और आमदन से ज्यादा सरसाजात केस के हवाले से, उस हवाले से उन्हें ब्रीफिंग दी जाएगी। जराय का कहना यह भी है कि शहबाज शरीफ की जो अहली है नुसरत जावेद और उनकी बेटी जो है जवेरिया और राबिया, उनको जो नोटिस जारी किए गए थे उसके बारे में अब ये फैसला किया जा रहा है कि उनको तलबी के बजाय सवालनामा भिजवाया जाएगा और उस सवालनामे का जवाब आने के बाद दोबारा फैसला किया जाएगा कि उन्हें तलब करना है कि नहीं करना। इस वाले से कल अहम फैसले होंगे क्योंकि कल शहबाज हमजा शहबाज को भी नैब ने तलब कर रखा है। तो डीजी नैब जो है शहजाद सलीम वो जस्टिस जावेद इकबाल को तमाम केसेस के हवाले से ब्रीफ करेंगे। जराय का कहना यह भी है कि हाउसिंग